भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी की उपस्थिति में सुबह 11:30 बजे नशा मुक्त जन जागरण सद्भावना पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 5,000 से भी अधिक लोग सम्मिलित होंगे और आम जनमानस से इस पदयात्रा में जुड़ने का आह्वान इस पत्र परिषद के दौरान दिया गया। भगवती मानव कल्याण संगठन एक अखिल भारतीय रजिस्टर्ड जन कल्याणकारी आध्यात्मिक संगठन है, जिससे देश विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। यह संगठन समाज में आपसी भाईचारा बनाने, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, पुरुषार्थी एवं परोपकारी समाज का निर्माण करने के साथ ही जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता, अति सामाजिक बुराइयों को दूर करके सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोते हुए समाज के बीच आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करके लोगों को मानवता के पद पर बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उपयुक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संगठन समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति चेतना जन जागरण शिविरों एवं यात्राओं का आयोजन करता रहता है। इन आयोजनों में भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट योग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के सानिध्य में लाखों लोग एक साथ सम्मिलित होते हैं। बोलिए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह तोमर है। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का महाराष्ट्र का प्रांत सचिव हूँ। ये भगवती मानव कल्याण संगठन एक जन कल्याणकारी आध्यात्मिक संगठन है, जिसके माध्यम से समाज में भाईचारा, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान और चेतनावान समाज की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है और समाज में जातिवाद, छुआछूत और जो सांप्रदायिकता का जो बुराइयाँ उनके लिए काम किया जा रहा है, उनको हटाने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं, जो इनके निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चैतवान और चेतनावान समाज की स्थापना के लिए विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। भारतवर्ष और नेपाल को ले लें तो आज की तारीख में लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों को नशा मुक्त किया गया है और नागपुर के आसपास के जिलों को मिला के 5,000 से ज़्यादा परिवारों को पूर्णतया नशा मुक्त कराया गया है और ये अभियान हमारा सतत जारी है। इसी अभियान को और गति प्रदान करने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशा मुक्त महाराष्ट्र, खुशहाल महाराष्ट्र के अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त जन जागरण सद्भावना पदयात्रा का आयोजन 16 सितंबर 2023 को कस्तूर सुबह 11:30 बजे से कस्तूर चंद पार्क से सुभाष नगर चौक तक किया जा रहा है। इस नशा मुक्त जन जागरण सद्भावना पदयात्रा में समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग से, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी पार्टियों से और युवाओं से हमारा आह्वान है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। अगर युवा नशे की ओर चला जाएगा तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? अगर नशे का हमारा इम्पैक्ट, अगर हमारा युवा नशे की ओर खींचेगा तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमें नशे के दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आज नहीं तो कल भारत को विश्वगुरु हम लोग को बनाना है तो युवाओं को भी आना पड़ेगा और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको नशा मुक्त महाराष्ट्र, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए एक बार आगे आना पड़ेगा। अगर समाज से हमारा आह्वान है, सरकार से भी हमारा आह्वान है कि नशा मुक्त के इस अभियान को गंभीरता से लिया जाए और इसमें जो हो गया सो हो गया, अभी आगे कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। अगर युवा वर्ग हमारे नशे की ओर चला जाएगा तो भारत को विश्वगुरु बनने में समय लगेगा। इसके लिए नशा मुक्त अभियान के इसको और गति प्रदान करना है और मीडिया के हमारे भाई बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि इस अभियान में हमारे सहयोगी बन के कंधे से कंधा मिलाकर चलें। यही भगवती मानव कल्याण संगठन का आह्वान है। परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा तीन धाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को प्रवाह दिया जा रहा है। ऋषिवर के आशीर्वाद एवं तीनों धाराओं के अथक प्रयासों का परिणाम है कि अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने नशे मांसाहार से मुक्त होकर स्वचरित्र का जीवन धारण करके माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना को अपने जीवन का अंग बना लिया है, जिससे उनके जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव हुआ है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।